दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कैप्टन संतोष शर्मा द चीफ हिंदुस्तान सिक्योरिटी फोर्स मुंबई। कृषि क्षेत्र में मंडी जिला का नाम जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ख्याति अर्जित करने जा रहा है। जिला के विकास खंड सुंदरनगर के बायला गांव में उगाई जाने वाली बासमती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खुशबू बिखेरने जा रही है। इसको लेकर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने गेहूं व धान अनुसंधान केंद्र मलान जिला कांगड़ा व कृषि विज्ञान केंद्र मंडी स्थित सुंदरनगर के वैज्ञानिकों को बायला बासमती पर अनुसंधान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसके लिए वैज्ञानिकों ने परीक्षण कार्य भी आरंभ कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा प्राचीन काल में उगने वाली बायला बासमती की रजिस्ट्रेशन व GI टैगिंग करवाकर इसकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित की जाएगी। बता दें कि बासमती चावल की पैदावार को लेकर प्रसिद्ध बायला गांव के लोगों ने कम पैदावार के कारण बासमती को उगाना बंद कर दिया है। इस कारण बायला की अद्भुत खुशबूदार पौराणिक किस्म के बासमती चावल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। कि बायला ये गांव जो है बासमती के लिए जाना जाता है। पौराणिक समय में यहाँ से बासमती लेकर के राजाओं के महलों तक पहुँचती थी और कई रईस लोग जो है यहाँ से बासमती ले जाते रहे हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन धीरे धीरे इसकी शक्ति क्षीण हुई और आज किसानों के खेतों में ये दिख नहीं रही। मैंने एक बीड़ा उठाया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी हमारी जो हिमाचल प्रदेश की धरोहर है, जैविक संपदा है, उन सबको उजागर करूँगा। ये मैंने प्रण किया है। उसी प्रण के तहत ये भी एक बासमती उसमें आती है और वायला की बासमती को हमने पहचान की है। पिछले वर्ष से ही हमने इसमें कार्य शुरू कर दिया है। डॉक्टर पंकज सूद जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मेरे साथ बैठे हैं और इनकी टीम हमारे साथ है, इनको ये जिम्मेवारी दी है कि यहाँ से ये बासमती ले जा करके पिछले वर्ष इन्होंने ट्रायल लगाया है और हमारे राइस एंड व्हीट रिसर्च सेंटर जो मलाह में है वहाँ भी इसका ट्रायल अभी पिछले वर्ष हमने पिछली बरसात में लगाया था। बहुत अच्छी इसकी पैदावार है। कुछ इनकी छोटी छोटी मुश्किलातें हैं, उन मुश्किलातों को हम अगली वर्ष यहाँ पर ही ट्रायल लगाएंगे इनके खेतों में और इसकी उपज को, इसकी पैदावार को देखेंगे। अगर कोई तकनीकी कोई मुश्किल है उस मुश्किल को भी दूर करेंगे। लेकिन यहाँ के गाँव के सभी लोगों ने आज मेरे साथ ये वादा किया है कि हम सब इस बायला बासमती को एक धरोहर के रूप में अपना इसको खेत में लगाने का एक धर्म समझेंगे। इसको हम PPB एंड FRA प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसमें इसको बहुत जल्द हम रजिस्टर कराने वाले हैं और रजिस्टर करा के इसके बाद इस वायला पंचायत को जिम्मेवारी देंगे और किसी समय इनको जिनोम सेवियर अवार्ड जो कम्युनिटी को मिलता है उसके लिए इनको प्रेरित करेंगे। दिव्य हिमाचल TV के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है। व्यापारिक दृष्टि से ये लोकेशन अति उत्तम है। मोस्ट सुटेबल फॉर शॉपिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल टेम्पल ऑफिसेज कम्युनिटी सेंटर एटसेट्रा। कैप्टन संतोष प्लॉट इज 2 to 5 minutes अवे फ्रॉम बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तहसील ऑफिस कोर्ट हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन मॉल एंड शॉपिंग। पार्किंग की उचित सुविधा के साथ प्रॉपर्टी में पानी बिजली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी के साथ ऊना में भी एक और प्रॉपर्टी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9137831247 9987899035 9816570085 9816941439।